एक सिंगल बंदे के ऊपर उसकी जर्नी के ऊपर है, वो रियल स्टोरी है, रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। और ज़्यादा तो मैं स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता बिकॉज इट विल बी रिवील्ड। तो हम लोग जो करने जा रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है कि अभी ऐसा चल रहा है डॉक्टर्स के ऊपर लोग फिल्में बना रहे हैं, इंजीनियर्स के ऊपर बना रहे हैं, अभी फिजिक्स वाला उसके ऊपर फिल्म बनी। तो देन वी आर प्लानिंग फॉर सम, कि ऐसा नहीं है कि फोर्थ क्लास का बंदा कुछ होता नहीं है, देन वी आर प्लानिंग फॉर फोर्थ क्लास। वो एक लैंड मैन है और उसको हम लोग लेके आ रहे हैं अपनी फिल्म के अंदर। और बहुत कुछ ऐसा उसके साथ हुआ, रियल स्टोरी है कि जिसको हम लोग यहाँ लोगों के सामने लाने वाले हैं, ऑडियंस के सामने लाने वाले हैं, उनको बहुत पसंद है। साथ ही मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगा हमारी प्रोड्यूसर्स टीम में आदर्श जी। लाइक बाय द वे द फिल्म इज प्रोड्यूस बाय अंजू जी जो कि यहाँ अभी प्रेजेंट नहीं है। तो मैं आदर्श जी को चाहूँगा कि स्टेज पर आए। थैंक यू, नमस्कार। जितनी मीडिया हमारे आई हुई है उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं संजीव कुमार राजपूत जी, उनके मैंने टैलेंट को देखा है, इनके साथ काम भी किया है, सीखा भी इन्हीं से हमने बहुत कुछ। अभी इसके पहले रिसेंटली अभी हमारी मूवी आई थी मनियार, तो उसमें भी दिन रात इन्होंने मेहनत किया। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है चटाव, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अंजू लता जी और ममता सिंह जी नहीं आ पाई हैं किसी नाम से। ये एक ऐसी स्टोरी है कि इसको बताना अभी हम उचित नहीं समझेंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि रियल स्टोरी है और रियल स्टोरी के साथ में एक ऐसी घटना जुड़ी हुई है कि जो एक दिल दहलाने वाली घटना होती है। एक इंसान की सुबह से लेकर शाम तक की जो आवश्यकताएँ होती हैं, जो काम करता है, वो चीज़ें कैसे मैनेज करता है उस चीज़ को, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें दिखाने वाले हैं। इसके साथ में क्या होता है कि अभी एक इंजीनियर्स डे होता है, हमारे एक भाई साहब हैं उन्होंने हमें बुलाया था वहाँ पे, इनके डायरेक्टर साहब को भी आना था लेकिन नहीं पहुँच पाए थे। तो वहाँ पे हम उस व्यक्ति से मिले थे और उसकी जो हमने पोजीशन और सिचुएशन देखी थी, तो हम लोगों ने उसी समय डिसाइड किया था कि इस व्यक्ति को हम आज, हो सकता है कि कुछ कस्बे के लोग जानते हों या शहर के लोग जानते हों, हम चाहते थे कि उसको जो है पूरे देश के लोग जाने उसको। तो वहीं पे हम लोगों ने अनाउंस किया था इसको कि हम लोग इस पे काम करने वाले हैं। और आज जो वो दिन आ गया है जिसमें कि हमारे साथ में गुलशन नैन जी हैं, मैडम डॉक्टर एरिका जी हैं और साजी जी हैं, वो नहीं है हमारे पास में इस वक्त, कहीं सूट में बिजी हैं, मोहन कपूर जी हैं। तो इन सितारों के साथ में हम इस मूवी का जो है आज अनाउंस कर रहे हैं, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत, आभार, धन्यवाद, थैंक यू। अभी आदर सर के साथ ही मैं इनवाइट करूंगा स्टेज पर आने के लिए हमारे को प्रोड्यूसर्स श्री जयंत पांडे जी और नितिन चतुर्वेदी, प्लीज वेलकम सर। अच्छा, सारी टीम हमारी इंट्रोड्यूस हो गई है, लेकिन जैसा कि जैसे मेरे हिसाब से माना जाता है कि फिल्म जो होती है ना, एक फिल्म बनते बनते मैं समझता हूँ 8-10 शादियां हो जाती हैं। हर दिन एक शादी होती है, पंडित सर अंदर आइए ना, थोड़ा सा अंदर आइए, पोस्टर नहीं कोई नहीं, पोस्टर आ जाए बस बस। एक जैसे हम सभी लोग कहीं ना कहीं हमारा एक बैकग्राउंड रहा होगा, तो सब लोग को गांव वगैरह के बारे में पता होगा। एक गांव में एक कोई आदमी अगर किसी के घर में शादी, जब उसकी बच्ची होती है तो प्लान करता है यार मुझे शादी करना, तो उसकी पूरी जिंदगी भर की कमाई वो एक साथ लगा देता है, राइट। यानी कि पूरी लाइफ उसने किस चीज़ के लिए निकाल दी कि मुझे मेरे बच्चे की शादी करनी है, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है। और यहाँ पर डायरेक्टर पता पड़ा कि कंटिन्यू है, 10-10, 20-20 दिन कंटिन्यू शादियाँ करता है। तो इसी, ये एक बहुत ही मल्टीटास्किंग काम है, ये हर कोई नहीं कर सकता, बहुत बड़ा काम है। और शादी में चूंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो दूल्हा दुल्हन का होता है, तो मैं इसीलिए मैं अब तक इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा था। तो सबसे खास और सबसे सब लोग के साथ में मैं एक बार स्टेज पर इनवाइट करूंगा हमारे मेन लीड ऑफ शट डाउन मूवी ऑफ कोर्स गुलशन नयन जी, प्लीज वेलकम सर। और निहारिका जी कम ऑन स्टेज, प्लीज वेलकम। सो अभी इसी के साथ हम फिल्म के बारे में कुछ आप लोग जो भी लोग पूछना चाहें टीम से मूवी शट डाउन के बारे में, लोग आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहले फोटो ले ले। संजय जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, शटडाउन क्या है, आज पोस्टर लॉन्च हुआ और ऐसी कहानी क्या है, कुछ शेयर करना चाहेंगे दर्शकों से।
सबसे पहले तो सभी मीडिया कर्मियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और फिल्म जो हम लोग कर रहे हैं शटडाउन, इसके सब स्टार कास्ट और प्रोड्यूसर हम लोग टीम हैं। अपने गुलशन नैन इसमें मेन लीड कर रहे हैं और एरिका मेन लीड फीमेल, और अपने आदर्श जी ये सब दीक्षित जी प्रोड्यूसर हैं। अभी जो फिल्म है शटडाउन, एक्चुअली ये वर्ड बहुत ही कॉमन था किसी समय पे, आज के टाइम में तो खैर न्यू जनरेशन तो नहीं जानेगी, और शायद लास्ट टाइम जब मैं इंटरव्यू दे रहा था मनिहार के लिए तब भी शायद आप थे, तो तब भी मैंने कहा था हम लोग थोड़ा सा यूनिक कंटेंट्स लेके आ रहा हूँ, कुछ ऐसे कंटेंट्स जिनसे अभी आज की न्यू जनरेशन जो है कहीं ना कहीं रूबरू नहीं है। और शटडाउन से जुड़ा हुआ है लाइनमैन। एक्चुअली लाइनमैन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पहले किसी भी मोहल्ले, किसी भी गाँव, किसी भी छोटे तबके के शहरों की जान होता था। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो टीवी चलाते थे, और हो सकता है कि टीवी पे कभी कभी कोई सीरियल आ रहा होता था और सडन लाइट चली जाती थी, वी वर वेटिंग फॉर दैट कि शटडाउन ले लिया, लाइट चली गई, तो वो लाइट डिसकनेक्ट को ही हम लोग शटडाउन कहते हैं। और शटडाउन एक्चुअली डिपार्टमेंट की तरफ से जो बिजली विभाग होता है उसकी तरफ से लिया जाता है, जब कहीं कोई रिपेयरिंग करनी होती है या कहीं लाइन टूट गई है उसको वापस से कनेक्ट करना है, देन वी टेक शटडाउन। अब इसी से जो जुड़ा हुआ जो मुद्दा है जो हमारी वो एक व्यक्ति के ऊपर है जो कि लाइनमैन है पेशे से, और बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर, वो कंज्यूमर से जूझता है बड़ी मुसीबतों के साथ में, और वो 2003 की कहानी है। एक्चुअली आपने देखा भी होगा कि जैसे टाइटल के नीचे लिखा हुआ है शटडाउन और एक डेट डली हुई है, वो डेट क्योंकि मैंने जब पोस्टर भेजा अपने स्टार कास्ट को ही भेजा गुलशन जी को, तो उन्होंने कहा सर ये डेट आपने ना गलती से गलत कर दी है, वो इसकी 2023 होना चाहिए था, एंड यू मेड इट टू 2003। तो मैंने बताया एग्जैक्टली दिस इज आवर टाइटल, ये वो डेट है जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट की वजह से एक लाइनमैन की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब उसके पीछे क्या क्या रहा कि उस बंदे ने एक छोटी सी जो है चीज की वजह से और एक छोटी मिस्टेक की वजह से उस बंदे के पूरे हाथ चले गए, मतलब वो आज उसके हाथ नहीं है, ही इज स्टिल अलाइव, प्रमोद उनका नाम है, बट उनके हाथ नहीं है, हाथ कट चुके हैं, और वो फोर्थ क्लास लेवल का एक एम्प्लॉय था बिजली विभाग के अंदर, और लाइन पे 11,000 की लाइन के ऊपर काम करते हुए एक करंट का शॉक लगा और उसकी वजह से उनके हाथों में हाथ जल गए और हाथ काटने पड़े। तो उनकी पूरी जर्नी है इस फिल्म के अंदर, उन्होंने पहले उनकी ज़िंदगी थी और हाथ कटने के बाद में कैसे अभी वो अब तक स्टिल वो कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हैं उसके ऊपर हम फिल्म बना रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सस्पेंस भी है, बहुत कुछ लोगों को देखने को मिलेगा, एक हटके कंटेंट है और मज़ा आने वाला है ऑडियंस को देखने में। ओके गुलशन, कितनी तैयारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाइन मैन कहीं कुछ कनेक्शन अगर गलत जुड़ गया तो गड़बड़ भी हो सकता है? और नहीं, कनेक्शन तो देखिए सबसे पहले तो संजीव जी से 2 साल से जुड़ा हुआ है, जुड़ रहा था, जुड़ते रह रहा था, फाइनली अभी जुड़ा है, अर्थिंग अब मिल गया है। हाँ जी, अभी मिल गया है, अभी पूरा लाइट आएगा। तो बेसिकली स्टोरी जो है बहुत ही अलग है जैसा इन्होंने बताया अभी तक, और बेसिकली यही है कि हीरो सिर्फ वही नहीं होता जो लाइमलाइट में आता है या हम देखते हैं जो फर्स्ट कैटेगरी के वर्कर्स हैं, सेकंड कैटेगरी के वर्कर्स हैं, हीरो हर अपनी लाइफ में एक हीरो ही है, तो हर जगह आपको मिल सकते हैं ऐसे हीरोज, तो ये उसी एक हीरो की कहानी है और बहुत ही अलग है, और बहुत मैं आज तक जैसे रोल्स करता आया हूँ उनसे बहुत ही हटके है और मज़ा आएगा करने में। कितनी तैयारी कर रहे हैं इस किरदार को लेके? या अभी तो देखिए कल ही मुझे सब पता लगा है, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ है, अभी बैठेंगे संजीव जी के साथ और करेंगे तैयारी शुरू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे हमेशा से यही मन रहा था कि इस तरह के कैरेक्टर्स हो जो चैलेंजिंग हो और जो एक्चुअली में काफ़ी इंटेंस हो, जो आप रियल लाइफ में खुद से रिलेट कर पाए, अपने परिवार से रिलेट कर पाए, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उन चीज़ों से रिलेट कर पाए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू यू नो प्ले अ कैरेक्टर जिसको हर कोई रिलेट कर पाएगा, बिकॉज हम बेसिकली देखिए इंडिया में तो मिडिल क्लास काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कहानी ऐसी है जो हर मिडिल क्लास का इंसान रिलेट कर पाएगा, स्पेशली उन दिनों से जो जैसा संजीव जी ने बताया कि किस तरीके से लाइन मैन का काम हुआ करता था, बिजली किस तरीके से घरों में आती थी, शटडाउन वाली कहानी, सो वो सारी चीज़ें ना सिर्फ यंग जनरेशन के लिए इंफॉर्मेटिव होगा बल्कि उन लोगों के लिए एक यू नो एक रीलिविंग मोमेंट होगा जो लोग ऑलरेडी इस दौर से ऑलरेडी निकल चुके हैं। सो आई थिंक बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व है कहानी में, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस।
तो कभी रियल लाइफ में लाइट घर का लाइट गया हो, शटडाउन हुआ हो, कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आप उसको आपको हेल्प करेगा आपके किरदार को करने में इस फिल्म में शटडाउन में? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है. आई मीन स्टार्टिंग में जब हम छोटे थे तो कभी नानी के घर जाना हुआ करता था तो अक्सर ये कहानी होती थी कि लाइट जाती है और बच्चे ऑब्वियसली गांव मतलब रूरल एरिया में कहानियां बनाया करते थे कि इतने बजे अंधेरा होता है और उसका रीज़न ये है, उसका रीज़न ये है. तो नई नई जो कहानियां बनती थी वो सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी, ऑब्वियसली इस फ्लैशबैक आता रहेगा और आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक हेल्प करेगा कि हाँ हमने भी वो शटडाउन देखा है कहीं ना कहीं बचपन में, एक दो बार ही सही बट देखा ज़रूर है. सो डेफिनेटली इट विल हेल्प. सजी जी, अब तो लाइट 24 घंटा रहती है मेरे ख्याल से. यूपी की बात मेरे ख्याल से आप करना चाह रहे हैं. हाँ. क्योंकि जहाँ नाम यूपी आता है वहीं अंधेरा दिख गया तो मतलब समझ जाओ यूपी है. अंधेरे और गड्ढे गड्ढे और लाइट अंधेरा दिखे तो समझ जाओ यूपी है. जी नहीं नहीं अभी तो देखिए यूपी क्योंकि मैं यूपी से ही हूँ और अभी पहले होता था कि जहाँ से गड्ढे शुरू होते हैं वहाँ से यूपी शुरू होता है और जहाँ आप अगर आपको जाते जाते रात हो गई और समझो कि अंधेरा शुरू हो गया, उजाला नहीं है रोड के ऊपर, समझ जाइए आपने यूपी एंट्री कर ली. तो यू आर वेरी राइट, कहने का मतलब वही था आपने. लेकिन अब ऐसा नहीं है जी. लेकिन अभी अभी बहुत कह सकते हैं कि अभी जहाँ से यूपी शुरू होता है वहाँ से गड्ढे खत्म हो जाते हैं और जहाँ यूपी शुरू होता है वहाँ लाइट शायद हमेशा ही रहती है. क्योंकि मैं अभी जाता हूँ कभी कभी, मैं मथुरा से हूँ तो जाता हूँ घर तो देखता हूँ लाइट ही नहीं जाती. मैं पूछता हूँ कि यार अब लाइट नहीं जाती क्या? नहीं नहीं अभी कभी लाइट जाती नहीं है. और स्पेशली अपने योगी बाबा तब से आए हैं तो उन्होंने तो इतना चीज़ें कर दी हैं कि अभी लाइट का जाने का नहीं और गड्ढे तो होने नहीं चाहिए रोड पर, उन्हें पसंद नहीं है. इन दोनों का कैसे चयन हुआ और कैसे जहन में आया किरदार को लेकर निहारिका और गुलशन? एक्चुअली निहारिका को लेकर मैं बोलूँगा कि जब को प्लान कर रहा था ये काफ़ी हम लोगों ने शायद एक साल से हम लोग इसके ऊपर वर्किंग है और कई सारे जो हैं सिर्फ फिल्म का जो नींव है वो एक करेक्टर से नहीं रखा है और भी इसी डिपार्टमेंट के जो बिजली विभाग के लोग होते हैं उनसे मैं बहुत कनेक्टेड था और मेरी भी फैमिली से बहुत सारे लोग कनेक्टेड थे. बट एक फंक्शन में मेरे को बुलाया गया, स्पेशली मुझे बोला कि यार आपको आना है और यहाँ हम लोग इस तरीके से एक डेडिकेट करना चाहते हैं किसी को जिनके हाथ नहीं है, उनके हाथ और लाइनमैन हुआ करते थे फोर्थ क्लास के लोग जो है भाई थे वो प्रमोद जी. तो मैंने कहा सर आई विल डेफिनेटली कम बट किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया. तो मैंने उसके ऊपर काफ़ी एग्जामिनेशन किया है कि हम लोगों को सीखना चाहिए इस चीज़ से कि यार हीरोज़ कि हम लोग समटाइम पीपल्स आस कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये हीरोज़ बनाते हैं लेकिन कुछ ऐसे हीरोज़ ऊपर से बन के आते हैं. देन आई डिसाइडेड मुझे इस फिल्म के ऊपर काम करना चाहिए और मैं इस पर और एरिका मुझे लगा कि यार इस करेक्टर के अंदर क्योंकि उनकी पूरी जर्नी मैंने पढ़ी, उनकी पूरी लाइफ के बारे में मैंने जो है समझा तो उस करेक्टर के लिए मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर एरिका लगी. मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, कास्टिंग डायरेक्टर्स ने मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस भेजे हुए थे. आई डिसाइडेड कि नहीं ये करेक्टर इस करेक्टर के अंदर फिट है. और उसके बाद क्योंकि वो जो करेक्टर है वो सिंपल सोर नहीं है, वो आज 55 साल की एज में भी विदाउट हाथों के ना होते हुए भी वो इतना बेहतर काम करते हैं कि जिनके हाथ हैं वो उतना बेहतर नहीं कर पाते जो कि बिना हाथों के इतना बेहतर कर रहे हैं. आई विल शो यू सम फोटोग्राफ्स थोड़ी देर बाद हम लोग अभी स्क्रीन पे देखेंगे कि ही इज स्टिल वर्किंग, ही इज स्टिल डूइंग मतलब लाइट का वो कि हम लोग डरेंगे यार इस वायर को छुएं कि नहीं छुएं, कैसे हाउ टू कनेक्टेड कि हम उंगलियों के होते हुए ना ज्वाइंट नहीं कर सकते, वो विदाउट हाथों के कैसे ज्वाइंट कर रहे हैं. तो जब उनकी इतना मैंने देखा कि यार ये बंदे कितने मतलब कह सकते हैं कि बहुत ब्रेव हैं और तो उसके लिए मेरे को करेक्टर चाहिए था, मैं एक ऐसा परफॉर्मर जो उसको बखूबी परफॉर्म कर पाए. तो गुलशन भाई मेरे से लास्ट 2 ईयर से जुड़े हुए थे और इन्होंने लास्ट फिल्म भी की तो इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में मेरे को बताया कि इतना स्ट्रगल मैंने किया इतना, क्योंकि इन्होंने अभी फिल्म की कह सकते हैं ईस्ट से लेके वेस्ट और वेस्ट से लेके नॉर्थ साउथ सब जगह इन्होंने शूट किया और टिपिकल टू टिपिकल लोकेशन पर इन्होंने शूट किया. तो आई वॉन्टेड कि मुझे ऐसे डेडिकेटेड एक्टर फॉर मतलब चाहिए इस करेक्टर के लिए. तो गुलशन भाई आप तो चेहरे से लाइन मैन लगते नहीं, आप तो एकदम कुछ वही तो कैसे करो वही तो करना है उसी में तो मजा है जैसा तुम नहीं लगते वही तो करना है. नहीं इसका मैं एक जवाब देना चाहूँगा सर कि हम लोगों के अंदर पता है एक क्या है कि फोर्थ क्लास का और लाइन मैन ऐसा लगता है करेक्ट. नहीं नहीं एक चीज़ एक क्वेश्चन रहता है कि आपने ऐसे क्वेश्चन कहा आप लाइन मैन नहीं लगते तो लाइन मैन होते कैसे, इंसान है दे आर ह्यूमन बींग. लेकिन मैं आपको ऐसे ऐसे लाइनमैन दिखा सकता हूँ दे आर वेरी मॉडर्न इन रियल लाइफ. जब मैं छोटा था तो एक लाइनमैन ही थे हम लोगों की, एक्चुअली फैक्ट्री थी आइस फैक्ट्री थी तो कभी कभी
होता था चोरी से लाइट चलती थी, तो एक बंदा आता था उस टाइम पैशन बाइक चलती थी सर, तो पैशन बाइक पे वो आता था और थोड़ा बड़ा प्यारा सा टीका लगा के रखता था, लुकिंग हैंडसम, शायद मैं आई विल प्रेजेंट हिम, मैं फिल्म करूँगा तो इस उनको मैं दिखाऊँगा, शायद अभी कैसे लगते होंगे आई डोंट नो कि ये अराउंड 20 ईयर्स होने को आ गए उस बात को, तब वो आते थे एकदम हैंडसम लगते थे और लाइनमैन थे, यहाँ प्लास लगाना एकदम दिखना कि यार ये क्या मतलब हीरोइज्म उसके अंदर दिखता था। तो मैं कह सकता हूँ देखिए कि कोई भी बंदा किसी भी करेक्टर से किसी फेस कहीं हम कैरेक्टराइजेशन नहीं कर सकते, वो तो डिपेंड करता है कि अगर इनफैक्ट ये इस लाइन में नहीं होते और हो सकता है इन्होंने उसके लिए अप्लाई किया होता तो लाइनमैन हो सकते थे, तो ऐसा नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं और काम के अकॉर्डिंग हम लोग फेस को डिसाइड कभी नहीं कर सकते वो तो कोई भी हो सकता है ना, ऐसे ऐसे हैंडसम लोग फोर्थ क्लास में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप हीरो ना वो फेल लगेंगे उनके सामने, और फोर्थ क्लास में दे आर ज्वाइनिंग इन फोर्थ क्लास, तो दिस इज नॉट की, और हम लोग बाकी तो पूरा प्रिपरेशन करेंगे ही, एंड एक्टर हैं वो तो कुछ नहीं yes, करेंगे। yes. चलिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अच्छा मैं और आए हुए हैं और योगी राज जी, एंड वो भी एक्टर हैं एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग विद हिम, और इसके साथ साथ इसमें साजी चौधरी इसमें मेन लीड विलन कर रहे हैं, उन्होंने इससे पहले भी मकबूल के करेक्टर में बहुत बड़ा जो है अपना एक तरीके से इमेज छोड़ी है मिर्जापुर के साथ में, और इसके बाद इसमें मोहन कपूर जी भी इसमें कैरेक्टर कर रहे हैं फिल्म के अंदर, दे आर नॉट अवेलेबल क्योंकि अभी जो है साजी जी शूटिंग कर रहे हैं जयपुर में और मोहन जी के यहाँ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो अवेलेबल नहीं है, देन वी आर प्लानिंग विद ऑल दी एक्टर्स, और थैंक यू सो मच। अरे तो सबको नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू। संजीव जी ने मेरे को बोला था इसके लिए, तो अभी करेक्टर डिसाइड नहीं है क्योंकि वो मेरी शक्ल देख के ही पता चलेगा कौन सा कर सकते तो ये है, एंड सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, एंड शट डाउन अपने नाम में ये चीज़ है, तो आई वॉन्ट के लाइक जैसी जैसी ये प्रोग्रेस करते जाएंगे हम एक एक चीज़ आगे आगे आपको पता चलता जाएगा और क्या होने वाला है इसमें, आप लोगों से कुछ तो छुपा रहेगा नहीं क्यों जी, जी ऑल द बेस्ट टू एवरी वन। कराना चाहूँगा कि ये हमारे को प्रोड्यूसर हैं नितिन चतुर्वेदी जी, सर बताए जयंत पांडे जी, और दो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं प्रोड्यूसर वो अभी दिख नहीं रहे हैं लेकिन वो हैं हमारे साथ में ही और हमेशा साथ में रहेंगे, हैं जो एक नाम और हैं तुषार वर्मा जी और जय सिंह सोलंकी जी, ये हमारी पूरी टीम है और हम लोग कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर करने की और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी इसको आगे सराहेंगे और जितना अच्छा आप लोग दिखाएंगे उतना अच्छा वो दिखने वाली भी है। थैंक यू शेख, शुक्रिया, धन्यवाद। चतुर्वेदी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सब वाकई में बिजली विभाग, जी सर, मैं बिजली विभाग जी सर, मैं इसी से मेरा सब अपना बिजनेस है और पिछले 40 साल से मैं इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ और उसके बाद उसी सिलसिले में मेरे को ये मालूम है जो एक लाइनमैन होता है वो बिल्कुल बैकबोन होता है सब, इस डिपार्टमेंट का बैकबोन है, फाइनली आप कहीं भी होगी कुछ भी होगी फाइनली उसी के लेवल पे आती है, उसे सॉल्व उसी को करना होता है और ये एक अकेले आदमी की स्टोरी नहीं है, ये उन सभी आदमियों के जितने लाइनमैन हैं जिनकी जो कि परमानेंटली डिसेबल हो गए या जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, ये सब उन सबके को एक ऑनर है उन सबके लिए कि वो आए लोगों को मालूम पड़े कि क्या वास्तविकता होती है, एक अकेले आदमी की स्टोरी नहीं है लेकिन उन सबके लिए हम कुछ कर नहीं सकते दिखा नहीं सकते, तो एक लेकर मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी में कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी क्या उनका रोल है जो आप लोगों की लाइफ में जो आप लोग आराम से बैठे होते हैं एसी का मजा ले रहे हैं टीवी चला रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर किसी का रोल है तो एक लाइनमैन का रोल है, ये बस इसी को दिखाने के लिए जब संजीव जी से मुलाकात हुई और इनके साथ डिस्कशन हुआ तो ये समझ में आई बात जो है कि सब इस ये हम दोनों एक ही माइंडसेट था कि भाई इसके ऊपर आना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए जो एक छिपे हुए हैं जिनके बारे में कोई लोग जानते ही नहीं है कि लाइनमैन, हम लोग तो बस यही जानते हैं लाइनमैन आएगा प्लास से बिजली जोड़ के चला जाएगा लेकिन एक्चुअली क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसका रोल है, हम लोगों की जिंदगी में उसका कितना इंपॉर्टेंस है, ये हजारों लोग हैं और सैकड़ों लोग जो जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं है जो कि मर गए खत्म हो गए परमानेंटली डिसेबल हो गए उनका कहीं कोई नाम नहीं आया कुछ नहीं आया, तो एटलीस्ट लोगों को मालूम पड़े कि वो लोग क्या है और किस तरह से उसी को एक दिखाने का प्रयास है जो है, तो आगे कोशिश कर रहे हैं संजीव जी के साथ। पांडे जी आप क्या कहना चाहेंगे? बिजली गई थी बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी भी यहाँ बॉम्बे में नहीं है ओवरहेड लाइन्स मगर वहाँ पर ओवरहेड लाइन्स हैं यूपी में, मैं भी यूपी को बिलोंग करता हूँ लखनऊ को, और लाइनमैन
बहुत ही लोली पेड एम्प्लॉय है बिजली विभाग का, मगर उसका 24 घंटे ऑन टोज रहता है वो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले उसकी अप्रोच होती है वहाँ पर पहुँच के क्या डिफेक्ट है, क्या फॉल्ट है, उसको रेक्टिफाई करने का। तो ये रियल लाइफ इंसिडेंट है, उसकी स्ट्रगल कैसी है लाइफ में वो पूरा, और उसकी वाहवाही भी होती है जब लाइट आती है तो हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि अब हम सब इन्जॉयमेंट इंटरटेनमेंट वगैरह सब कर सकेंगे। तो ये उसके ऊपर लाइफ है, हम लोग बहुत इसके बारे में फ्यूचर के बारे में बहुत ही फिल्म के बहुत ही पॉजिटिव हैं कि ये बड़ा अच्छा, एक तो मतलब ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी जैसे सोल्जर होते हैं वैसे ही लाइन मैन भी हैं, तो उनके लिए हम फिल्म डेडिकेट कर रहे हैं। जी नमस्कार सभी को, सबसे पहले मैं संजीव सर को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया। और बेसिकली मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो मैं एक लाइट मैन से स्टार्ट किया था फिल्म लाइन में, और आज मुझे एक ऐसा मौका मिला जो लाइन मैन का एक मुझे कास्टिंग करने का मौका मिला, तो इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और ये जो स्टोरी है मेरे गांव से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे गांव में कभी बांस, आप जानते होंगे कि बांस और तार से वो कनेक्शन हुआ करता था, और रात में जब कट जाती थी तो रात को भी फ़ोन करते तो लाइन मैन आते थे जोड़ने के लिए। बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत अच्छा, हम एक मैसेज देना चाहते हैं हमारे टीम के जरिए। थैंक यू सो मच। हाँ, कहाँ कहाँ पे शूट होने वाला है और कब जा रहे हैं आप शूट पे, और क्या तैयारी है शूट की? और ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, गांव जब जाते थे तो रामायण देखने के लिए जब लाइन चली जाती थी तो तमाम गालियां मुझे निकलती थी कि अरे इसी टाइम को लाइन जाना था। हाँ, और बहुत इतनी गालियां देते थे सच में, वो लिमिट क्रॉस कर देते थे, वो नहीं बोल सकते यहाँ, वो ऐसा होता था। और शक्तिमान के टाइम पे होता था एक्चुअली हमारे साथ, रामायण के टाइम पे नहीं होता था, रामायण थोड़ा सा पहले हो गया था, शक्तिमान के टाइम पे होता था। अच्छा, इसका जो शूट है फिल्म का, ये हम लोग फतेहपुर सीकरी में करने वाले हैं, आगरा के पास, और बहुत अच्छी लोकेशन है और बहुत पॉपुलर भी है आगरा। आगरा का भी हम लोग शूट दिखाएंगे फिल्म के अंदर, आगरा को भी हम लोग फिल्माएंगे इसमें। और नहीं, सब्सिडी का देखिए, सब्सिडी तो अब योगी जी जब दे रहे हैं तो हम लोग देखे पीछे नहीं हटेंगे, वो देंगे तो हम लेंगे। हाँ, अब तो देखिए बिहार झारखंड तो सही है, आपको हम लोग बिहार में शूट कर लेंगे। हाँ बोलिए, अगर आपके ऐसी कोई जुगाड़ है तो हम लोग बिहार चलते हैं अभी तो। हम लोग एक्चुअली 10th से 10th फरवरी से प्लानिंग कर रहे हैं, 10 से 15 के बीच हम लोग शूटिंग स्टार्ट करेंगे। नहीं भाई, हाँ यार, बिहार को लेकर देखिए, योगी जी को मैं बहुत जो है यूपी में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। नहीं, डेफिनेटली वी विल प्लान देयर, बट क्या ना, योगी जी मेरे लिए बहुत ऊपर है, और योगी जी की सब्सिडी की वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे, हम लोग शूटिंग नहीं कर रहे। मैं अभी भी मनिहार करके आया हूँ, और इससे पहले मैंने फिल्म स्टार्ट ख़त्म की थी दो अजना भी, वो तो हम लोगों ने इसी मंथ जो है लास्ट ईयर ख़त्म की थी, -4 में शूट किया था, आर्य बब्बर वगैरह ये सब लोग थे उसमें। तो अभी मैं हर स्टेट में शूटिंग करता हूँ ऐसा नहीं है, बट ये वहाँ की स्टोरी है ओरिजिनली, तो इसलिए हम लोग ये वहीं शूटिंग करेंगे। और जो स्पेशल ये वो वहाँ ये है कि जितनी लाइन्स हैं अभी वहाँ ओपन लाइन्स हैं जिन्हें हम दिखा सकते हैं, कहीं ना कहीं इस फिल्म के जरिए से मैसेज भी जाएगा कि योगी जी तक की अभी जो ओपन लाइन्स हैं उन्हें भी अंडरग्राउंड कराया गया। हाँ, ये फरवरी में हम लोग करने वाले हैं, और 10 से 15 फरवरी के मुंबई वाले लोग माइनस। नहीं नहीं, अरे सर क्या बात कर रहे हो, माइनस में सर, मकर संक्रांति अभी तो सर, मैं एक्चुअली आप जो कह रहे हैं ना ठीक है, लेकिन पता है मुंबई के लोग इतने स्ट्रांग हैं कि अभी मथुरा में या आगरा में तो लोग अभी टेम्परेचर फिर भी 7-8 है, वो लोग मेरे साथ में -4 में शूट किया है। नहीं, जो फरवरी का मौसम होगा स्नोफॉल रहेगा, अच्छा, और उन्होंने एंजॉय भी किया, उन्होंने कहा यार सर कहाँ लेके आए शूटिंग करने के लिए, मजा आया उन लोगों को। तो आप कह रहे हो नहीं कर सकते, लेकिन भाई वो जजमेंटल हैं, वो कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, वो अगर मुंबई से भी कर ही पाते मतलब। मैंने कहा ऐसा नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।